इस बजट में हम लोगों ने सपना देखा है, हमने सपना देखा है कि 2048 का ओलंपिक खेल दिल्ली के अंदर करवाया जाएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मैं बयान पढ़ रहा था अखबारों के अंदर, उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने ये बयान कैसे दिया, उन्हें हमसे पूछना चाहिए था। मैं पूरी इज्जत के साथ उन्हें कहना चाहता हूँ कि हमारा ये सपना है, हम उनके पास जाएंगे, उनसे जो भी अप्रूवल लेनी है अप्रूवल लेंगे, अगर उनके माध्यम से अप्लाई करना है उनके माध्यम से अप्लाई करेंगे। और ये जैसा मैंने कहा था कि कोरोना एक महामारी थी जो हम अकेले नहीं कर सकते थे, अकेले उससे नहीं जूझ सकते थे, हमने सबका साथ लिया। दिल्ली के अंदर ओलंपिक खेलों का आयोजन भी हम अकेले नहीं कर सकते, हमें इसमें सबका सहयोग चाहिए होगा। ये भारत के लिए गौरव की बात होगी, भारत के लिए गर्व की बात होगी, भारत के लिए बड़ी बात होगी। इसमें हम केंद्र सरकार के पास भी जाएंगे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास भी जाएंगे, सारी स्पोर्ट्स बॉडीज के पास भी जाएंगे, सारे संस्थानों के पास भी जाएंगे, सारा देश मिलके 2048 के ओलंपिक गेम्स के लिए बिड करेगा। अकेली दिल्ली सरकार नहीं करने वाली, दिल्ली सरकार इसमें इनिशिएटिव लेगी, लेकिन सारा देश मिलके करेगा और हमारे सारे देश के लिए गर्व की बात है। हमने कहा कि सिंगापुर की जो इनकम है, सिंगापुर की इनकम दुनिया भर की इनकम में लगभग सबसे ज्यादा मानी जाने वाली है, इसलिए सिंगापुर कहा गया। आज भारत एक गरीब देश माना जाता है, जो भी उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि आखिर मेरा देश कब विकसित देशों में गिना जाएगा। बचपन से सुनते आ रहे हैं हमारा देश विकासशील है, हमारा देश डेवलपिंग कंट्री, हमारा देश विकासशील है, कब बनेगा डेवलप्ड कंट्री। कभी ना कभी तो किसी ना किसी को तो इसके बारे में कहना पड़ेगा ना कि भाई अब बनेगा, अब इसके लिए काम करेंगे और इतने समय में बनेगा, इतने समय तक करेंगे। तो आज हमने कहा 25 साल के अंदर 2047 तक हम दिल्ली की पर कैपिटा इनकम जो है सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होगी। हाँ, मैं मानता हूं हमारा सपना है। जब से ये दोनों ऐलान किए हैं, हमने कहा कि ओलंपिक में कि हम बिडिंग करेंगे, हमने कहा सिंगापुर के बराबर इनकम लाएंगे, ये कई विपक्षी पार्टियां हमारा मजाक उड़ा रही हैं, हंस रही हैं हमारे ऊपर। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज हंस लो, लेकिन आज जो ये सपना देखा है, जब हमने चुनाव लड़े थे पिछली बार 2013 में पहली बार चुनाव लड़े थे, हमने कहा था हम बिजली फ्री करेंगे भी, तब तो हमने कहा था बिजली के बिल आधे करेंगे, हंसा करते थे हमारे ऊपर, हो ही नहीं सकते, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। 49 दिन के अंदर करके दिखा दिया हमने। हमने कहा था सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे, ये कहते थे हो ही नहीं सकते सरकारी स्कूल अच्छे, 5 साल में करके दिखा दिया। हमने कहा था सरकारी अस्पताल अच्छे करेंगे, कहते थे हो ही नहीं सकते, हमने करके दिखा दिया। आज हम कह रहे हैं कि 2048 का दिल्ली के अंदर ओलंपिक खेल होगा, ये मजाक उड़ा रहे हैं, करके दिखाएंगे, ये देश करके दिखाएगा। इस देश पे भरोसा रखो, देश के लोगों पे भरोसा रखो। आज हम कह रहे हैं कि 2047 तक 100 साल हो जाएंगे आजादी के, 25 साल बचे हैं, 25 साल के अंदर ये देश, हमारा देश विकसित होगा। हाँ, हमने सपना देखा है और इस देश के लोग इस सपने को पूरा करके दिखाएंगे। तो अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट है मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ और फिर से वित्त मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ।